वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड, डॉक्टर सोनेन्द्र गुप्ता ऑल इन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर न्यू वीडियो लेक्चर की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं अभी तक दो लेक्चर। इन दो लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर वन थे हमारा रिलेशन, और लेक्चर नंबर टू में हमने डिस्कस किया था कंपोजिट इन टाइम्स ऑफ रिलेशन। आज हम डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर थ्री, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर भी अगर आपने नहीं देखे हैं, तो लेक्चर को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करिएगा, आपको प्रीवियस लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको फर्दर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। लेट इज स्टार्ट। फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज हमारा लेक्चर नंबर थ्री है, जिसमें हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, इसके लिए हम इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, जैसे कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देन उसके ऊपर कुछ हम सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे, साथ में हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और बाद में कुछ आपको देंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिससे कि आपको बेहतर तरीके समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम इक्विवेलेंस रिलेशन निकालते हैं। तो आइए समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। देखिए, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था कि हमारे पास जो रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव, सेमेंटिक, एंटीसेमेंटिक, असेमेंटिक, ट्रांजिटिव, इस प्रकार के हमने रिलेशन बताए थे। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है जो कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहां पर इसको मैथमेटिकली हम किस प्रकार से समझते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, और आर मेरे पास एक रिलेशन है जो कि ए पर डिफाइंड है, तो इस ए को हम यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी लिखते हैं, यदि नंबर वन आर मेरा रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमें किसी भी रिलेशन आर को अगर हमें रिफ्लेक्सिव बताना है, तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि उसमें ए ए टाइप के एलिमेंट उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो इफ ए बिलोंग्स टू ए, देन ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि हमारे पास जितने भी ए उस सेट में है वो सारे के सारे उस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। सेकेंड रिलेशन हमारा होता है इसमें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, यदि हमारे पास ए बी टाइप का कोई पेयर अगर रिलेशन आर में है, अगर ए रिलेटेड टू बी है, तो देन उसके बाद बी रिलेटेड टू ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा जो रिलेशन होता है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन की कैटेगरी में आता है। तो डिफाइन किस प्रकार से करेंगे हम, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन इफ ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी ए आल्सो रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, जितने भी मेरे पास ए बी उस सेट ए में है। थर्ड रिलेशन आता है आपका यहाँ आर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पे मीनिंग क्या होता है कि अगर ए बी और बी सी अगर आर के अंदर है, तो फिर हमारे पास ए सी भी आर के अंदर होना चाहिए, और ऐसे हर एलिमेंट के साथ ये प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। तो इस ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, एबीसी बिलोंग्स टू आर। अगर ये कोई रिलेशन हमारे पास इन तीनों प्रॉपर्टी को अगर फुलफिल कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा वो रिलेशन आर जो होता है वो आपको कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन को अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई भी टी एक सेट है जो कि सभी ट्रायंगल का सेट है। हम ट्रायंगल को यहां पर डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, और टी वन टी टू से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, इन ए प्लेन आर, देन आर इज रिलेशन ऑन टी गिवन बाय आर इक्वल टू टी वन टी टू, एंड टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी टू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रिलेशन आर जो है वो कॉन्ग्रुएंसी का है, कॉन्ग्रुएंसी का है, और हमें बताना है कि रिलेशन आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है, यदि अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है दूसरे ट्रायंगल के, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है ना। इसी प्रकार अगर मेरे पास पहला ट्रायंगल अगर टी टू अगर कॉन्ग्रुएंट है टी टू के लिए, तो डेफिनेटली हम ये ऐसा कह सकते हैं कि टी टू जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा टी वन के लिए। तो ऐसी कंडीशन में ये सिमेट्रिक भी होगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर टी वन कॉन्ग्रुएंट है टी टू के, क्या टी वन कॉन्ग्रुएंट है टी टू के और टी टू कॉन्ग्रुएंट है टी वन टी थ्री के, तो ऐसी कंडीशन में टी वन जो होगा वो टी थ्री के टी थ्री से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दैट मीन्स ये हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को ही फुलफिल करता है। तो इसको हम किस प्रकार से कॉपी में लिखना चाहिए, यहाँ पे मैं ध्यान दीजिए, मेरे यहाँ पर वीडियो लेक्चर जो भी मैं बनाता हूँ उसमें इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हमें एग्जाम में किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ।
तो जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ, वैसे वैसे अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के मार्क्स की डरत नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारा जो टी है वो एक सेट है इन प्लेन आर के अंदर, हमने वो लिख लिया। देन आर हमारा एक रिलेशन है जो कि टी वन से टी टू है, वो भी हमने लिख लिया। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी इंप्रूव करने आते हैं, आर रिफ्लेक्सिव। अगर आर रिफ्लेक्सिव तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्गुरेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन है फॉर ईच ट्रायंगल डेल बिलोंग्स टू टी, वी हैव से दैट डेल ट्रायंगल इज कॉन्गुरेंट टू डेल, देन डेल डेल इज आल्सो बिलोंग्स टू द आर। तो इस प्रकार से हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल होती है। अब अगर हम इसके बाद अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर हम टी वन टी टू अगर हम लेके चलते हैं रिलेशन आर के अंदर, तो हमारा लॉजिक ये है कि हम टी टू टी वन भी हम आर के अंदर लेके आए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि टी वन टी टू जो है आर के अंदर, अगर टी वन टी टू अगर आर के अंदर, इसका मतलब कि टी वन जो है कॉन्ग्रुएंट होगा टी टू के लिए, और अगर टी वन कॉन्ग्रुएंट होगा टी टू के लिए, तो हम कह सकते हैं कि टी टू भी टी वन के लिए कॉन्ग्रुएंट होगा, और टी टू टी वन के लिए कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टी टू टी वन बिलोंग्स टू आर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर टी वन टी टू लेके चले और टी टू टी वन हमने आर के अंदर लाके दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिलेशन जो है आर सिमेट्रिक है। थर्ड हमारा है आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने अभी बताया कि हम टी वन टी टू टी थ्री लेके टी वन और टी टू लेके चलेंगे आर के अंदर, और टी टू टी थ्री लेके चलेंगे आर के अंदर, प्रूफ करेंगे टी वन टी थ्री आर के अंदर होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मान लेते हैं कि टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर है और टी टू टी थ्री बिलोंग्स टू आर है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर टी वन टी टू अगर आर के अंदर है, तो टी वन कॉन्ग्रुएंट होगा टी टू के लिए, और टी टू टी थ्री अगर आर के अंदर है, इसका मतलब होगा कि टी टू टी थ्री कॉन्ग्रुएंट होगा आर के अंदर। इट मीन्स दैट टी वन कॉन्ग्रुएंट टू टी टू एंड टी टू कॉन्ग्रुएंट टू टी थ्री। अब अगर टी वन अगर टी टू के लिए कॉन्ग्रुएंट है और टी टू अगर टी थ्री के लिए कॉन्ग्रुएंट, तो डेफिनेटली टी वन टी थ्री के लिए भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमने टी वन टी थ्री के लिए कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, और टी वन टी थ्री के लिए कॉन्ग्रुएंट है, इसका मीनिंग ये निकाला जाएगा कि टी वन टी थ्री जो है हमारा आर के अंदर आ गया। अब हम देखते हैं कि R के अंदर हमारे पास सारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है जो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि R हमारा ट्रांजिटिव है और साथ में वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। उन लोगों को भी ये वीडियो पहुंचाइएगा जिनको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लगता है डर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर सेकंड हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट आर बी ए बाइनरी रिलेशन ऑफ द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जेड जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर हमारे पास, दोनों नंबर इसके अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर आएंगे। यहां पर आर लिखा हुआ है कि आर ए बी और ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर और ए बी बिलोंग्स टू आर, देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहां पर हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो a माइनस बी एक इवन नंबर दिया हुआ है, और इवन नंबर का मतलब होता है कि a number which is divisible by 2, यानी कि अगर हमें किसी को अगर इवन नंबर बताना है तो हम 2 को उसके डिविजिबल की फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि a माइनस बी जब भी अगर हम लिखेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर एक नंबर 2 होगा जो इंटीजर m के साथ बिलोंग करेगा। ओके, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमने लिखा कि भाई r हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है z के अंदर, और z ऑफ हमारे पास इंटीजर है, और R हमें दिया हुआ है a माइनस बी, और डेफिनेटली R जो होगा वो सबसेट होगा Z क्रॉस Z का। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे क्योंकि a माइनस बी अगर एक इवन इंटीजर, तो हमने बोला कि हमारे पास कोई एक m इंटीजर होगा, इस प्रकार से होगी a माइनस बी हमारा 2m के अंदर 2m के इक्वल होगा। इस लॉजिक को ध्यान रखें, जब भी अगर हमारे पास इवन अगर हमसे कोई ऑड की बात करेगा तो ऑड में हम ऐसा नहीं कर सकते, बस वहां पर लिख सकते हैं कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू m, ऑड के लिए हमारा ये लॉजिक लगेगा। अब हमें यहां पर बताना है कि R को रिफ्लेक्सिव, अगर R को अगर हमें रिफ्लेक्सिव बताना है, इसका मतलब ये निकलता है कि मुझे R के अंदर वो एलिमेंट लेके आना पड़ेगा जो सेम होते हैं और वो टू से डिविजिबल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा जीरो कहीं पर लिखा हो तो जीरो को मैं लिख सकता हूं ए माइनस ए, और डेफिनेटली ए माइनस ए अगर जीरो के इक्वल लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू जीरो। तो ऐसी कंडीशन है वो हमारा यहां पर रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो हमने यहां पर क्या लिखा, सिंस ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, देन जीरो इक्वल टू टू इंटू जीरो, और डेफिनेटली 2 into 0 that means a a belongs to r, क्योंकि हमारे पास एक इवन नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में a a belongs to r होगा, for all a belongs to z। तो इस प्रकार से हमारा जो रिलेशन r जो है वो रिफ्लेक्सिविटी को शो करता है, यानी कि r जो है रिफ्लेक्सिव बन गया। अब नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या निकलता है कि अगर हम ए बी अगर आर के अंदर लेके चलते हैं, तो हमारा टारगेट है कि हम बी ए को आर के अंदर लेके आए। तो अगर हमने ए बी को अगर आर के अंदर लेके चले, इसका मीनिंग क्या निकाले कि ए माइनस बी जो होगा 2m के इक्वल होगा।
ध्यान सुनिएगा, आप मेरे वीडियो लेक्चर को जब आप सुन रहे हैं तो उस समय ईयरफोन का आप यूज जरूर करें, जिससे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह बना रहे। तो अगर ए बी को अगर मैं आर के अंदर लेके चल रहा हूं, इसका मतलब होगा ए माइनस बी जो होगा 2a के इक्वल होगा, और हमारा टारगेट ये है कि हम बी ए को हम आर के अंदर लेके आना चाहते हैं, और बी ए को अगर हम आर के अंदर लेके आना चाहते हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि हमको यहां पर बी माइनस से इक्वल टू 2m लाना होगा। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम लेके आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर ए बी को अंदर लेके चले तो इसका मतलब ये निकलता है कि मेरे पास एक वैल्यू m होगी जो a माइनस बी इक्वल टू 2m को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि a माइनस बी जो है 2m के इक्वल आ गया। अब a माइनस बी इक्वल 2m हम यहाँ पर b माइनस से इक्वल 2 इंटू माइनस m लिख सकते हैं, ओके। और हम यहाँ पर माइनस m को हम यहाँ पर दूसरा इंटीजर मान लेते हैं जो कि हमारे पास n के इक्वल है, ओके। तो वेर n इक्वल टू z, अब b माइनस से कितने के इक्वल हो गया, 2m के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये निकलता है कि बी ए जो हो गया वो आर के अंदर चले गया। तो ए बी लेके चले थे और ए बी बी ए लेके आ गए आर के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आर जो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है यहां पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे कि ए बी और ए बी को हम लेके चलेंगे आर के अंदर, और बी ए को हम लेके चलेंगे आर के, सॉरी बी सी को लेके चलेंगे आर के अंदर, और हम प्रूफ करेंगे कि आपका ए सी जो है वो आर के अंदर आ जाए। तो अगर ये प्रॉपर्टी हम फुलफिल कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन हम ये कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन आर जो है वो ट्रांजिटिव है। अब देखिए हमने ए बी और बी सी को हम आर के अंदर लेके चले, क्या करा हमने, ए बी और बी सी को हम आर के अंदर लेके चले हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि मेरे पास एम वन और एम टू मेरे पास दो वैल्यू होंगी जो ए माइनस बी इक्वल टू एम और बी माइनस सी इक्वल टू टू एन टू एम टू को रिप्रेजेंट करेगी, ओके। कुछ इस प्रकार से ए माइनस बी इक्वल टू एम और बी माइनस सी इक्वल टू टू एम टू। हमारा टारगेट क्या है कि हम a माइनस सी को हम लेके आना चाहते हैं, हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड जैसे हम करेंगे तो आप देखेंगे कि a माइनस बी और बी प्लस बी माइनस सी जो है तो बराबर होगा 2m1 प्लस 2m2 के। अब यहां से 2 दोनों से कॉमन निकलना है तो m1 प्लस m2 निकाल लिया। हम जानते हैं कि इतने दो इंटीजर को अगर आप ऐड करोगे तो आपको एक नया इंटीजर ही मिलेगा। तो मान लेते हैं कि इस m1 m2 का जो सम है वो m के इक्वल है, क्या है वो m के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी जो होगा। अब a माइनस बी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे पास क्या मिलेगा भाई, a माइनस सी। तो a माइनस सी आ गया 2m के इक्वल, और एज पर आवर डेफिनेशन a माइनस सी अगर 2m के इक्वल है तो ac जो होगा वो r के अंदर चले जाएगा। तो अभी हमने करा क्या कि ab और bc को हम r के अंदर लेके चले और हमने ac को r के अंदर बता दिया। इसका मतलब ये निकला कि r मेरा एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो रिलेशन r जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं कि r मेरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके। नेक्स्ट, अब यहां पर कुछ हम दो इंपॉर्टेंट थ्योरम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, एग्जाम में जनरली ये थ्योरम पूछी जाती है। तो पहली थ्योरम यहां पर है, इफ r1 एंड r2 बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए देन r1 इंटरसेक्शन r2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। यहां पर ये बोला गया है कि अगर मेरे पास r1 और r2 मेरे पास दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ऐसी कंडीशन में r1 इंटरसेक्शन r2 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेकिन ध्यान रखना r1 यूनियन r2 इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है, वो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि r1 r2 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रूली होती है, लेकिन r1 यूनियन r2 की प्रॉपर्टी मे ओ मे नॉट वाली कंडीशन में आती है। हम चाहे तो इस स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वल रिलेशन ऑन अ सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। अब इसको फुलफिल कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर r1 r2 मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है ए के अंदर, इसका मतलब ये होगा कि r1 सबसेट है ए क्रॉस ए का और r2 सबसेट है ए क्रॉस ए का। अगर हमें r1 इंटरसेक्शन r2 का इक्विवेलेंस बनाना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि R1 intersection R2 मेरा एक रिलेशन है कि नहीं है। तो R1 intersection R2 रिलेशन तभी कहलाएगा यदि R1 intersection R2 जो हो वो सबसेट हो A cross A का। तो सिंपल सा लॉजिक हमने ये लगाया कि R1 सबसेट है A cross A का, R2 सबसेट है A cross A का, then definitely R1 intersection R2 सबसेट होगा A cross A का। तो ऐसी कंडीशन में R1 intersection R2 हमारा एक रिलेशन शो करता है, ओके। यानी कि हमने यहाँ पर रिलेशन बता दिया। अब नेक्स्ट हम बताइए कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी लिख दे। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी का मतलब क्या निकलता है कि अगर R1 और R2 के अंदर अगर हमारे पास A टाइप के एलिमेंट है तो R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर भी होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले बताया आपको
कि आर वन आर टू अपने आप में एक इक्विवेलेंस है, तो ऐसी कंडीशन में आर वन आर टू रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस कंडीशन को हम यहां पर लेके चलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंस आर वन आर टू इज बोथ आर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन वी हैव ए ए बिलोंग्स टू आर वन एंड ए बिलोंग्स टू आर टू, देन डेफिनेटली ए ए आल्सो बिलोंग्स टू द आर वन इंटरसेक्शन आर टू, देयरफॉर द आर वन इंटरसेक्शन आर टू इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, सेकंड हम प्रूव करेंगे कि आर वन इंटरसेक्शन आर टू सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर हमें आर वन इंटरसेक्शन आर टू को अगर हमें सिमेट्रिक बताना है, तो ऐसी कंडीशन में हम ए बी टाइप के एलिमेंट को, ए बी टाइप के एलिमेंट को लेके चलेंगे, ए बी टाइप के एलिमेंट को लेके चलेंगे आर वन इंटरसेक्शन आर टू के अंदर, और प्रूफ करेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू। ये हमारा टारगेट होगा। ओके, ये हम करना चाहते हैं, राइट। तो अभी हम ये प्रूफ कैसे करेंगे हम यहां पर, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हम हमने क्या करा, ए बी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू लेके चले, तो इसका मतलब होगा ए बी जो होगा आर वन में भी होगा और आर टू के अंदर भी होगा, इस प्रकार से, है ना। अगर ए बी आर वन के अंदर और आर वन हमारा इक्विवेलेंस है, तो इसका मतलब कि वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ए बी जो होगा वो बी ए के अंदर चले जाएगा, आर वन के अंदर चले जाएगा, राइट। इसी प्रकार ए बी जो होगा वो अभी आर वन के आर टू के अंदर है, वो आर टू के अंदर भी आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब बी आर वन में भी है और बी आर टू में भी है, इसका मतलब ये निकलता है कि बी ए जो होगा वो आर वन इंटरसेक्शन आर टू में भी आएगा। दैट मीन्स ए बी लेके चले थे और बी ए को हमने आर वन इंटरसेक्शन आर टू में बता दिया, इसका मीनिंग ये निकलता है कि आर वन इंटरसेक्शन आर टू एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है कि आर वन इंटरसेक्शन आर टू ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब देखिए, अगर हमें आर वन इंटरसेक्शन आर टू को अगर ट्रांजिटिव बताना, तो करना क्या होगा, हम यहां पर ए बी लेके चलेंगे आर वन इंटरसेक्शन आर टू में और बी सी लेके चलेंगे आर वन इंटरसेक्शन आर टू में, और टारगेट हमारा होगा, टारगेट होगा ए सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू, ये हमारा टारगेट है। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने यहां पे लेके चले कि भाई ए बी आर बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू, BC belongs to R1 intersection R2। अब अगर AB अगर R1 intersection R2 में, तो इसका मीनिंग ये निकाला जाए कि AB R1 में भी है और AB R2 के अंदर है। सिमिलरली अगर BC अगर R1 intersection R2 में, इसका मीनिंग ये निकाला जाए कि BC R1 में भी है और R2 में भी, कुछ इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, AB जो है R1 में भी है और BC जो R1 में भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख देंगे। किस तरह लिख देंगे, कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार AB R2 के अंदर है और BC R2 के अंदर है, तो हम BC बोलेंगे कि भाई AB और BC जो है R2 के अंदर है। अब देखिए, अगर AB R1 के अंदर और BC R1 के अंदर, तो डेफिनेटली R1 हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है, तो उसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी कंडीशन में AB जो होगा वो AB और BC जो अगर R1 में, तो AC जो होंगे, AC जो होगा वो आपका बिलोंग करेगा R1 के अंदर, इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार अगर ए बी आर टू के अंदर है और बी सी आर टू के अंदर, इसका मतलब ये निकलता है कि वो ए सी भी आर टू के अंदर होगा, दैट मीन्स वो एक ए सी बिलोंग्स टू आर टू। अब ए सी आर वन के अंदर भी आ गया, आर टू के अंदर भी आ गया, इसका मतलब ये निकलता है कि उसके इंटरसेक्शन में भी वो एलिमेंट होगा। तो अब हमने क्या करा कि ए बी और बी सी को हम आर वन इंटरसेक्शन आर टू में लेके चले, और हमने प्रूफ कर दिया कि ए सी आर वन इंटरसेक्शन आर टू में, इसका मतलब ये निकलता है कि आर वन इंटरसेक्शन आर टू एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। ओके, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आर जो होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, मुझे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी इन्विटेशन लिंक जो मैंने है आपको लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सिमिलरली अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने आपको दे रखी है। प्रेफरेंस प्रेफर करिए कि आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो, जिससे कि उसमें और भी आपको क्वेरी आपको बाकी लोगों की मिल सके, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है लिमिटेड फॉर्म के लिए होता है। चलिए, लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन प्रूव दैट आर इनवर्स इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन ए। अगर आर अगर हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ए के अंदर, तो हमारा इस कंडीशन आर इनवर्स भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन प्रूफ करने को बोला जाता है, तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। तो आर मेरा रिक्वेरेंस रिलेशन है ए के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हमारा अगर आर जो सबसेट होगा ए क्रॉस ए, चूंकि मैं आर इनवर्स को
रिले इक्विवेलेंस बताना, तो इसके कंडीशन में कि आर इनवर्स हमारा एक रिलेशन भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि आर इनवर्स रिलेशन होता है, बस यहाँ पर उसको लिखना आना चाहिए। तो आर अगर सबसेट ए क्रॉस ए का, तो डेफिनेटली आर इनवर्स भी सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आर इनवर्स जो होगा एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब आर इनवर्स को हम यहाँ पर हमें बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब देखिए आर इनवर्स को अगर रिफ्लेक्सिव बताना, इसका मीनिंग ये निकलता है कि हमें ए टाइप के एलिमेंट आर इनवर्स के अंदर लेके आने होंगे। अब चूंकि R रिफ्लेक्सिव है, ध्यान से सुनिएगा, अगर R रिफ्लेक्सिव है तो डेफिनेटली उसमें A टाइप के एलिमेंट होगा। अगर A अगर R के अंदर है तो वो A है जो होगा वो R इनवर्स के अंदर भी होगा, क्योंकि इसका रिवर्स ऑर्डर जो नहीं, अगर हम A भी लेके चलते तो B बोलते हैं। तो A B का अपोजिट क्या होगा हमारे पास है, A का अपोजिट क्या होगा, A ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यह कह सकते हैं कि A जो R इनवर्स के अंदर आ रहा है, अगर A अगर R इनवर्स के अंदर आ रहा है इसका मतलब कि वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं कि आर इनवर्स सिमेट्रिक है कि नहीं। आर इनवर्स को सिमेट्रिक बताने के लिए क्या करेंगे कि ए बी टाइप के एलिमेंट को हम आर इनवर्स के अंदर लेके चलेंगे और बी ए टाइप के एलिमेंट को हम आर इनवर्स के अंदर लेके आएंगे। अब अगर हम ए बी अगर आर इनवर्स के अंदर लेके चलते तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लॉ कि बी ए आर के अंदर होगा, राइट, ठीक है। अब चूंकि बी ए आर के अंदर और आर मेरा सिमेट्रिक है, ध्यान दीजिएगा आर मेरा सिमेट्रिक है, तो बी अगर आर के अंदर है इसका मतलब कि ए बी आर के अंदर आ जाएगा। ओके, अब चूंकि ए बी आर के अंदर है तो बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी बी ए आर इनवर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर से चीज को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ए बी आर इनवर्स के अंदर है तो बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी बी ए आर के अंदर होगा, ठीक है। अगर बी ए आर के अंदर है, चूंकि आर मेरा सिमेट्रिक है, तो ऐसी कंडीशन में बी ए जो होगा वापस आर के अंदर आ जाएगा, और बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी, बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी वापस मेरा बी ए जो आर इनवर्स के अंदर आ जाएगा। तो हम ए बी इनवर्स के एलिमेंट को लेके चले थे और हमने बी ए टाइप के एलिमेंट को हम आर इनवर्स के अंदर बता देते हैं, तो इसका मीनिंग ये निकाला जाए कि हमारा जो एलिमेंट है वो जो रिलेशन आर जो है वो सिमेट्रिक को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हमारा है आर इनवर्स ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है, तो ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे कि ए बी को लेके चलेंगे आर इनवर्स के अंदर, ओके, और बी सी को लेके चलेंगे आर इनवर्स के अंदर, और प्रूफ करेंगे कि ए सी आर इनवर्स के अंदर है। ओके, ये हमारा टारगेट है। थोड़ा ध्यान समझिएगा किस प्रकार से हमने लिखा, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स और बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स है और बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स है, देन बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी बी ए आर के अंदर होगा और सी बी आर के अंदर होगा, इस प्रकार से, क्लियर। अब बी ए आर के अंदर है और सी बी आर के अंदर है, तो डेफिनेटली बाय द ट्रांजिटिविटी हम देखेंगे इसको, यहां पर हमारे ट्रांजिटिविटी नहीं बननी, तो क्या करेंगे, पहले इसको रिवर्स ऑर्डर में करके लिख लेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर लिख लिया, सी बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। अब ये दोनों एलिमेंट मेरे पास ट्रांजिटिविटी को शो कर रहे हैं, तो सी ए जो होगा वो कहां पर आ जाएगा भाई, आर के अंदर आ जाएगा। तो मैंने सी ए बोल दिया भाई, आर के अंदर आ गया, और चूंकि सी ए आर के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ए सी आर इनवर्स के अंदर आ जाएगा। तो अब देखेंगे यहां पर हमारे पास ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो आर इनवर्स है वो एक ट्रांजिटिविटी को शो कर रहा है। तो अब यहां पर इस प्रकार से सार आर इनवर्स जो है वो हर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इसका मतलब ये हो कि आर इनवर्स एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आपकी प्रॉपर आपकी सुविधा के लिए यहां पे मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रखी है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करिएगा। अगर आपको इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, इवन आप मेरे व्हाट्सएप आप मेरे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ में हो सके तो शेयर भी जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर बाय आर देन ए बी टू डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी को अगर टू डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी होगा जो टू एम के बराबर होगा, यानी कि वहां पर कोई नंबर एम पॉजिटिव इंटीजर एम वहां पर एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि R x y x minus y is divisible by 5, सेम क्वेश्चन है बस लिखने का तरीका अलग है। थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन R इन अ सेट ऑफ A ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी और ऑफ अ कॉलेज एंड R इक्वल टू x y x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आप प्रूव कर सकते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, शो दैट ईच रिलेशन R इन द सेट दिस देन 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 देन A minus B इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि मॉड ऑफ A minus B जो होगा वो 4 into m के इक्वल होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पेज पर और ब्लॉगर पर आप जरूर जाइएगा, साथ में ऑफिशियल वेबसाइट पर।
इनमें आपको प्रीवियस सेमेस्टर के आरजीबी के पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी फुल लेंथ सोल्यूशन में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोलेन गुप्ता, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।